नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। किडनी हमारे सबसे ज़रूरी अंगों में से एक है। हर व्यक्ति के शरीर में दो किडनी होती है। किडनी मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन और एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को खून में से फिल्टर करने का काम करते हैं और पेशाब का उत्पादन भी करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दोनों किडनी का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों को किडनी खराबी का सामना करना पड़ता है। स्थिति में नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ शरीर में जमा होते हैं। सांस लेने में तकलीफ, थकान, जी मिचलाना, कमजोरी, सीने में दर्द और दिल की अनियमित धड़कन किडनी खराब होने के आम लक्षण हैं। लेकिन जब किडनी खराब होती है तो शरीर के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किडनी खराब होने पर कहाँ कहाँ दर्द होता है। बता दें कि जब किडनी खराब होती है तो छाती में दर्द होता है। किडनी के खराब होने पर दिल को ढकने वाली परत पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है। ऐसे में सीने में दर्द होना शुरू हो सकता है। वहीं किडनी खराब होने का असर मांसपेशियों पर भी पड़ता है। किडनी खराब होने पर शरीर में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन से बाहर हो जाते हैं और मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में आपको मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। वहीं किडनी खराब होने का असर पीठ पर सबसे पहले पड़ता है। जब आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है तो पेशाब का उत्पादन नहीं होता। ऐसे में पीठ में दर्द का अनुभव हो सकता है और ये लंबे वक्त तक रहे तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। वहीं किडनी खराब होने पर पेट के निचले हिस्से में भी दर्द का एहसास होता है। ये किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षणों में से एक है। वहीं किडनी खराब होने पर आपको पैरों और टखनों में भी दर्द हो सकता है। जब किडनी खराब होने लगे तो शरीर में नमक जमा होने लगता है। ऐसे में पैरों और टखनों में सूजन आने लगती है। ये दर्द का कारण भी बनता है। ऐसे में अगर आपको भी शरीर के इन अंगों पर दर्द लगातार बना हुआ है और एक हफ्ते के अंदर ये ठीक नहीं हो रहे तो बिना डॉक्टरी जांच के किसी भी निष्कर्ष पर आप ना पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।